हाय डियर फ्रेंड, जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये थियोडोलाइट है और ये आपका ट्राइपॉड है, थियोडोलाइट का ट्राइपॉड जिसके ऊपर हमने थियोडोलाइट को सेटअप किया, उसका टेम्परेरी एडजस्टमेंट किया। टेम्परेरी एडजस्टमेंट का अगर वीडियो देखना है तो उसके पहले अपलोड है, उसमें जाकर देख लेना है कैसे टेम्परेरी एडजस्टमेंट होता है। टेम्परेरी एडजस्टमेंट हो जाने के बाद हॉरिजॉन्टल एंगल कैसे रीडिंग नोट डाउन करते हैं, उसके कई सारे मेथड हैं, जैसे कि रिपीटेशन मेथड है, रिट्रिएशन मेथड है। तो रिपीटेशन मेथड कैसे फाइंड आउट करते हैं, रिपीटेशन मेथड का यूज करके हॉरिजॉन्टल एंगल कैसे फाइंड आउट करते हैं, वो चीज़ें हम यहाँ पर सीखेंगे। तो सबसे पहले क्या करना होता है, देखिए यहाँ पे दो स्क्रू हैं, ठीक है, ये लोअर प्लेट का स्क्रू है, जैसे कि ये लोअर प्लेट मूव होगा और ये अपर प्लेट का स्क्रू है, ठीक है। ये दो प्लेट है, दो अपर प्लेट और लोअर प्लेट के स्क्रू हैं। सबसे पहले रीडिंग लेने से पहले देखिए यहाँ पर आपका ये डायफ्राम दिया है जो वर्टिकल एंगल मेजरमेंट करते हैं। तो अगर मेरे ये लेफ्ट साइड है तो जितनी भी मैं रीडिंग लूंगा वो फेस लेफ्ट की रीडिंग होगी, ठीक है। और ये जो है मेरा हॉरिजॉन्टल सेट करने के लिए यहाँ पर ये जो एंगल मेजरमेंट करने के लिए दिया है, यहाँ पर 0-0 पे जब सेट कर देंगे तो ये मेरा जो टेलीस्कोप है ये हॉरिजॉन्टली क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा। जब ये हॉरिजॉन्टल सेट हो गया तो फिर बाद में एंगल जो भी लेंगे हम हॉरिजॉन्टल एंगल ही मेजरमेंट करेंगे। तो सबसे पहले क्या करें, हॉरिजॉन्टल एंगल का रिपीटेशन मेथड सॉल्व करना है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर जो वर्नियर और मेन स्केल है इसमें 0-0 पे सेट कर दें। 0-0 पे सेट करने के बाद क्या करना है, दोनों अपर और लोअर प्लेट दोनों टाइट रखो, ठीक है। 0-0 पे हो गया। अब यहाँ पे अगर लोअर प्लेट को मैं लूज करता हूँ तो इसकी रीडिंग किधर भी मूव करोगे चेंज नहीं होगा। अगर लोअर प्लेट लूज है और ये जो 0-0 पे सेट है, अपर प्लेट टाइट है, अगर अपर प्लेट टाइट है तो ये किधर भी मूव करोगे आपकी जो रीडिंग है वो चेंज नहीं होगी, जितनी है उतना ही रहेगा, ठीक है। तो अभी क्या करना है, जैसे कि मेरा ए पॉइंट है, ठीक है, और बी पॉइंट है, इसके बीच का मुझे एंगल फाइंड आउट करना है कि ए पॉइंट का और बी पॉइंट के बीच का एंगल अगर मुझे फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले तो मैं ए पर, मेरा 0-0 है, ये पहले सेट कर दिया, लोअर प्लेट लूज है, अपर प्लेट टाइट है, तो मैं कहाँ पर लेके जा रहा हूँ, ए पर। अगर मैं लेकर जाऊँगा, इसको फोकस करूँगा और इसको सेट करते हुए मैं जो लोअर प्लेट है उसको क्या कर दूँगा, टाइट कर देना है, ठीक है। लोअर प्लेट के स्क्रू को टाइट करना है, कहाँ पर, 0-0 है ऑलरेडी, इसको लेकर जाना है ए पर, उस पर सेट कर फोकस कर देना है। जब मेरा वर्टिकल लाइन जो है इसके अंदर का वो इसके एकदम कोइंसाइड हो जाएगा, एकदम लाइन में आ जाएगा, तो उसके बाद से मेरा जो लोअर प्लेट का स्क्रू है उसको क्या कर दूँगा, मैं टाइट कर दूँगा, ठीक है। ये लोअर प्लेट के स्क्रू को मैंने टाइट कर दिया। अब टाइट करने के बाद से अब मुझे बी पर लेके जाना है तो अपर प्लेट के स्क्रू को लूज करूंगा, ठीक है। अपर प्लेट के स्क्रू को मैंने लूज किया और मैं लेकर गया बी पर, ठीक है, बी पर लेकर गया और सेट कर दिया, ठीक है। सेट करने के बाद से जो इसका अपर प्लेट है का स्क्रू है उसको टाइट कर देते हैं। टाइट करने के बाद मुझे यहाँ पर जो मैंने 0-0 पर सेट किया था यहाँ से रीडिंग मैं ले लूँगा। रीडिंग कैसे लेना है वो भी मैंने वीडियो अपलोड किया है, वहाँ पर जाके देख सकते हैं कि रीडिंग कैसे नोट डाउन करना है, ठीक है। फिर बाद में जैसे ये बी पे सेट हो गया, रीडिंग आपने नोट डाउन कर लिया, तो यहाँ से ए से और बी से कितना एंगल हॉरिजॉन्टल एंगल बन रहा है वो आपको मिल जाता है। फिर उसके बाद से क्या करना है, लोअर प्लेट का जो स्क्रू है, लोअर प्लेट के स्क्रू को लूज करो और फिर ये 90 डिग्री पूरा क्लॉकवाइज मूव करके फिर ए पर लेकर आओ। ए पर लेकर आए, ए पर लेकर आए तो लोअर जो स्क्रू है उसको फिर टाइट कर देना है। ए पर सेट कर दिया, एग्जैक्ट आ गया, ठीक है, फोकसिंग। फिर उसके बाद से क्या करना है, लोअर प्लेट को लूज करो, अपर प्लेट लोअर प्लेट को टाइट करो, अपर प्लेट को लूज करो और बी पर लेकर आओ। जैसे बी पर आता है, ठीक है, उसके बाद से क्या कर देना है, अपर वाले को टाइट कर देना, ठीक है। टाइट करने के बाद जैसे इस पर फोकस हो गया, टाइट कर दिया अपर प्लेट को, फिर रीडिंग नोट डाउन कर लेंगे। ऐसे रिपीट करना है, ठीक है, 3 times 4 times रिपीट करते हैं और उसके बाद जो भी एंगल आ रहा है उसका मीन फाइंड आउट कर लेते हैं दोनों के बीच का, जिसे एग्जैक्ट ए और बी के बीच कितना एंगल फाइंड आउट हो रहा है, हॉरिजॉन्टल एंगल कितना मिल रहा है वो हमें मिल जाता है। इस तरीके से सबसे पहले क्या करते हैं, 0-0 पे ए पॉइंट पे 0-0 पे सेट करना, बी पर ले जाने के लिए अपर प्लेट को लूज करेंगे तब बी पर जो जाएगा वो रीडिंग नोट डाउन कर लेना है, ठीक है। फिर उसके बाद से अपर प्लेट को टाइट करो और ए पर लेकर आओ, लूज करके कौन सा लोअर प्लेट के स्क्रू को लूज करना है, ए पर लाना है, स्क्रू को टाइट करना है, फिर उसके बाद से अपर प्लेट को लूज करके बी पर ला के सेट करो और रीडिंग नोट डाउन कर लो, ठीक है। इस तरीके से रिपीटेशन मेथड हम करते हैं, हॉरिजॉन्टल एंगल इस तरीके से हम फाइंड आउट करते हैं।
इसके बाद एक और मेथड है रिट्रिएशन मेथड। तो रिट्रिएशन मेथड कैसे करते हैं वो अगले वीडियो में देखेंगे। आप देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।